हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 1 ब्लॉक 14 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या कि जो भी कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो भी जिंदा नहीं है, वो सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। सो लिविंग थिंग्स, वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस। हम आसपास की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम नॉन लिविंग। बहुत लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। सम फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर दे नीड फूड टू लिव। अब बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, उन्हें फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। दे ग्रो इन साइज। अब लिविंग थिंग्स जो हैं, उनको कुछ चीज़ें होती हैं कि दे नीड फूड टू लिव। उन्हें खाना चाहिए रहने के लिए। वो बढ़ते हैं उनके साइज़ में। दे कैन ब्रीद, दे कैन मूव, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इन द लिविंग थिंग्स। तो जो भी जिंदा हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। और जो भी सांस लेते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। और जिनको खाना चाहिए और जो बढ़ते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स हम किसे कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स हम किसे कहेंगे कि अब देखिए, इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि लिविंग थिंग्स, बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स, दिस इज अ लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग थिंग्स हम किसे कहेंगे? अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स है कुछ कुछ नहीं, सभी हैं लिविंग थिंग्स। और ये सब जो चीज़ें हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बड़े नहीं होते और ये सांस नहीं लेते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स हम इसे कहेंगे और इन्हें लिविंग थिंग्स कहेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स, सम थिंग्स डू नॉट ग्रो और मूव ऑन देयर ओन। They do not eat food, breathe or give birth. These are called non-living things. Cars, balls, buses, toys, shoes and glass are some non-living things around us. Some things do not grow or move on their own. They do not eat food, breathe or give birth. These are called non-living things. Cars, balls, बसेस, टॉयज, शूज एंड ग्लास आर सम नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। अब ये जो कार हैं, शूज हैं, टॉयज हैं, ग्लास हैं, टेबल हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। एलिफेंट, हॉर्स, फिश, पैरेट, बटरफ्लाई, ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। मैन, दीज आर लिविंग थिंग्स। हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 1 ब्लॉक 14 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पार्ट 2। अब मूवमेंट इन थिंग्स, हमने पिछली बार हमारे लेसन में देखा कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। अब आज हम देखेंगे कि मूवमेंट मतलब कैसे वो मूवमेंट करते हैं, कैसे वो हिलते हैं, कैसे वो यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। All living things can move by themselves. Plants also move. They move towards sunlight. Some non-living things can also move, but not by themselves. A car, ball, train, bicycle and toys are some of the things that can move, but not on their own. ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई themselves, खुद ही उनके वो मूव करते हैं। प्लांट्स भी मूव होते हैं और प्लांट्स सनलाइट की तरफ मूव होते हैं, आकाश की, सूरज की तरफ। अब सम नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो खुद से मूव नहीं कर सकते, जैसे कि कार है। कार थोड़ी यहाँ से वहाँ खुद चले जाएगी, उसे हमें ले जाना पड़ता है, वो खुद से नहीं जा सकती। तो मूवमेंट, ये जो प्रोसेस है, वो लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती।
देन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. वी कैन ग्रुप दीज थिंग्स एज लिविंग और नॉन लिविंग बेस्ड ऑन देयर फीचर्स. इफ अ थिंग ब्रीथ्स, नीड्स फूड, ग्रोज, मूव्स और इट्स ओन एंड प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स काइंड, इट इज अ लिविंग थिंग. अब अगर उसे कोई भी चीज़ को, अगर वो सांस लेती है, वो खाना खाती है, वो ग्रो करती है मतलब बढ़ती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर खुद ही मूव होती है, तो उसे लिविंग थिंग कहेंगे. इफ़ अ थिंग कैनॉट ब्रीथ, वी कैनॉट ग्रो, इट कैनॉट मूव ऑन इट्स ओन, इट कैनॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड एंड डज नॉट नीड फूड, इट इज़ नॉन लिविंग थिंग. और अगर कोई चीज़ खुद सांस नहीं लेती, ग्रो नहीं होती, मूव नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे. जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया है, देखिए पेंसिल है, ये मूव होती है क्या? नहीं होती. और सनफ्लावर है, ये खुद से मूव नहीं हो सकता. कार एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती. टाइगर मूव हो सकता है, इसलिए वो लिविंग थिंग है. अब इसमें से जो है वो पेंसिल, सनफ्लावर, कार, ये जो है वो पेंसिल का ये नॉन लिविंग थिंग है, और टाइगर जो है वो लिविंग थिंग है. तो इस तरीके से हमने ये लेसन देखा. टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.